काम का आज पहला दिन है। मैं अभी इस समय मुंशियारी में हूँ और मैंने यहाँ पे टैक्सी हायर की है। यहाँ से हम लोग लीलम जाएंगे और जो फर्दर ट्रैक है फिर वो लीलम से स्टार्ट होगा। मुंशियारी से मैं लीलम के लिए निकल चुका हूँ। 27 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है ये। मेरे ड्राइवर साहब हैं, ये मेरे पीछे ट्रैक गाइड हैं और मेरे पोर्टर कम ट्रैक गाइड हैं, पीछे कुशालदा दानुदा हैं और एक को ट्रैवलर है हमारे साथ। रोड की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है इस समय, आगे लैंडस्लाइड हुई है। उस टाइम के लिए हमें रुकना पड़ रहा है यहाँ पे, लैंडस्लाइड होने की वजह से आगे रोड बंद है और सामने मेरा ड्राइवर जो है निरीक्षण कर रहा है रोड का। अभी जेसीबी का काम स्टार्ट होगा थोड़ी देर में और फिर रोड बनेगी तभी आगे जा पाएंगे। मैं लीलम पहुंच चुका हूं। इसकी डिस्टेंस अराउंड 27 किलोमीटर है मुंशियारी से और मुझे लीलम से अब जाना है ट्रैक करते हुए सामने बुगडियार। इसकी डिस्टेंस है 13 किलोमीटर। ये लास्ट पॉइंट है जहां आपको गाड़ी छोड़ेगी, यहीं से ट्रैक स्टार्ट होगा और ट्रैक जो करना है वो टॉप पूरी पहाड़ी पार करनी है। देखते हैं कैसे पहुँचते हैं वहाँ पर। लीलम से बुगडियार का जो रूट है वो इसी तरीके से है, काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, ऊपर पहाड़ तक जाएगी चढ़ाई पूरी ऐसे ही, उसके बाद हम नीचे उतरेंगे बुगडियार के लिए। मैं इसमें पहुंच चुका हूँ मेन सिंह टॉप में। ये इस ट्रैकिंग का सबसे डिफिकल्ट पॉइंट है। नीचे लीलम से यहाँ पे आने में कम से कम 7 किलोमीटर की डिस्टेंस है बट बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, सीधी चढ़ाई है और यहाँ पहुँचने के लिए कम से कम 22 मोड़ या फिर आप बोलिए बैंड पार करने पड़ते हैं। इसके बाद मैं जाऊँगा नीचे डबलदार जो नीचे टाउन की तरफ है और जिसके डिस्टेंस यहाँ से अराउंड 3 से 4 किलोमीटर। मैं इस समय हूँ बबलधार में जो मेन सीन टॉप से लगभग 2 किलोमीटर डाउन में है और आप देखेंगे कि इस तरीके के अरेंजमेंट आपको जगह जगह मिल जाएंगे यहाँ पे। रहने का अरेंजमेंट इसमें इस तरीके का है। दादा लाइट ला दो, एक मिनट लाइट ला दो जरा। रहने का अरेंजमेंट यहाँ पे इस तरीके से है, आप अपने स्लीपिंग बेड डाल के सो सकते हैं और यहीं पे इस तरीके से खाने की टेबल लगाई हुई है। इस तरीके के सेम अरेंजमेंट आपको पूरे आगे तक मिलेंगे। आप यहाँ रुक सकते हैं और खाने का भी अरेंजमेंट यही है, खाना बन रहा है अभी हमारा। मैं पहुंच चुका हूं बुगडियार। अभी मैं बुगडियार चेक पोस्ट की तरफ जा रहा हूं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है पूरी जर्नी का। यहां पे आईटीबीपी की चेक पोस्ट है जहां पे आपको इनर लाइन परमिट चेक कराना पड़ेगा। विदाउट इनर लाइन परमिट आपकी यहां पे एंट्री बंद है, आप यहां से आगे नहीं जा सकते। इनर लाइन परमिट के लिए आपको मुंशियारी में एसडीएम कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा जहाँ पर 3 कॉपी बनेंगी। एक कॉपी मुंशियारी एसडीएम कोर्ट में जमा होगी, एक होगी आपके आईटीबीपी मुंशियारी में और एक कॉपी ये लोग वेरीफाई करेंगे। उसके वेरिफिकेशन के बाद ही आप वैली में अंदर एंट्री कर सकते हैं। मेरे सामने है बुगडियार। मैं हूँ नहार देवी में, यह है नहार देवी की लोकेशन। मैं इस समय नहार देवी में हूँ और यहाँ पे माता का मंदिर है। यह है नहार देवी, ऐसा कुछ दिखता है यहाँ पे।
की ओर जा रहा हूँ और मेरा टारगेट है आज लास्ट पर गाड़ी रुकने का। गाड़ी बहुत ही क्विक होता है और जो रास्ता है ये गाड़ी से ऊपर जाता है, पीछे गौरी गंगा लहरी है, सामने बहुत अच्छे अच्छे पहाड़ दिख रहे हैं और ये रास्ता यूँ ही बना पड़ा है आगे तक के लिए। नहार देवी से मपांग और लास्पा गढ़ी के लिए यही रास्ता जाता है इस तरीके से। ब्यूटीफुल स्ट्रीम फ्लो कर रही है साइड में, नीचे गौरी गंगा बह रही है। नहार देवी से मपांग की डिस्टेंस अराउंड 5 to 6 किलोमीटर है, फिर फर्दर लास्पा गढ़ी के लिए आपको मपांग से 3 किलोमीटर और आगे जाना पड़ेगा। मैं इसमें पहुंच चुका हूं लस्पा गढ़ी, जहाँ से मुझे जाना है रिलकोट, जिसकी डिस्टेंस अराउंड 6 किलोमीटर है और ये है लस्पा गढ़ी का इलाका। ये छोटा सा शेड बनाया है चाय पीने के लिए या फिर थोड़ा सा नाश्ता करने के लिए। यहाँ से मैं जाऊँगा रिलकोट। ये मेरे सामने जो है ये है रिलकोट, यहाँ से मुझे भरपूर जाना है, इसकी डिस्टेंस अराउंड यहाँ से 9 किलोमीटर है। अभी इसी तरीके से रोड में चल के रेलकोट से भरपूर तक जाना है, जिसकी डिस्टेंस अराउंड 9 किलोमीटर है। रेलकोट से भरपूर की डिस्टेंस अराउंड 9 किलोमीटर है और अभी हाल ही में इस तरीके से रेलकोट से भरपूर तक रोड बनी हुई है, ये BRO ने रोड बनाई है, तो सीधे सीधे रेलकोट से ये रोड फॉलो करनी है और भरपूर पहुँचना है। मैं अभी पहुँच चुका हूँ भरपूर गाँव में। यहाँ से एक रोड आप देख रहे हैं जो ऊपर की तरफ जा रही है, मिलम गांव की तरफ जाएगी। मुझे पुल क्रॉस करके वैली में सीधा आगे जाना है, जो मुझे पाचू घनगर की ओर लेके जाएगा, जहाँ से फिर मैं फर्दर नंदा देवी ईस्ट बेस कैंप के लिए जाऊँगा। अभी मैं घनगर की ओर जा रहा हूँ, जिसकी डिस्टेंस भरपूर से अराउंड 7 किलोमीटर है। पूरा जो ट्रैक है वैली से होता हुआ जाएगा, काफ़ी खूबसूरत वैली है आगे। अभी मुझे उसी तरफ जाना है। से दो रोड जाती हैं, एक जाती है मिलम की और एक जाती है घनगर की और, जहाँ से फर्दर नंदा देवी इस बेस कैंप को जाने का रास्ता है। ये ट्रैक कहीं पे वैली से निकलता है तो कहीं पे आपको रिवर बेड के साथ साथ इस ट्रैक को पूरा करना पड़ेगा। जगह जगह पे अलग अलग रूट मिलेंगे आपको इस ट्रैक के लिए। अभी मैं भरपूर से घनगर की ओर जा रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत ट्रेल है ये, घनगर से फिर मैं नंदा देवी इस कैंप की ओर जाऊंगा। आपके सामने जो ये गांव देख रहे हैं ये है घनगर और उस तरफ जो गांव है नदी पार वो है पाचू। ये दोनों ही गांव हैं जो लास्ट गांव है नंदा देवी ईस्ट बेस कैंप ट्रैकिंग के लिए। आप इन दोनों जगह में से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। घनगर से ट्रैकिंग करना नंदा देवी के लिए थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि खड़ी चढ़ाई है, बट यहाँ से व्यू बहुत अच्छे आते हैं। और अगर आपको थोड़ा सिंपल ट्रैक करना है तो आप पाचू की तरफ से स्टार्ट कर सकते हैं। ये भरपूर से लगभग 6 से 7 किलोमीटर की डिस्टेंस में है। इसके बाद सीधे आप यहाँ से नंदा देवी ईस्ट बेस कैंप जाएंगे। मैं इस समय पाँचों गांव में हूँ। ये गांव लास्ट गांव है नंदा देवी ईस्ट बेस कैंप के ट्रैक के लिए। इसके डिस्टेंस भरपूर से अराउंड 5 से 6 किलोमीटर है और जो सामने वो गांव है वो घनगर है। आप वहाँ से भी
और पाचू से भी नंदा देवी के लिए जा सकते हैं। वो सामने आप जो रूट देख रहे हैं उसी तरफ मुझे जाना है नंदा देवी ईस्ट बेस कैंप के लिए, और जो नदी आ रही है ये नंदा देवी से ही बहती हुई आ रही है। ये नंदा देवी बेस कैंप की दूरी 12 किलोमीटर दिखा रहा है पाचू गांव से, और अभी मैं यहाँ रुकने वाला हूँ। अभी मैं पाचू गांव में हूँ और आज रुकने का अरेंजमेंट मेरा यहाँ पे है। अब देखता हूँ अंदर जाके क्या सीन बनता है। पुराना घर है बहुत ज़्यादा। यहाँ रुकेंगे आज। ये इस घर में नीचे बनी है रसोई, ऊपर कमरा है हमारा। ये जो गोट बना है एक गाय बकरी के लिए है बनाया हुआ है गोट है, या ये वो लोग स्टे करते हैं। पाचू गांव है ये। अरे ये इधर फोन अवेलेबल नहीं है ना, इधर सैटेलाइट फोन से कॉल कर रहा हूँ मैं। मिलम में हूँ, ठीक है समय। हाँ मिलम ग्लेशियर वाले गांव पे हूँ, पाचू गांव में हूँ। अभी यहाँ से फोन अवेलेबल है तो कॉल कर रहा हूँ, ठीक है ना। वापसी होगी 3-4 दिन में, अभी फिलहाल तो यहीं। आप नंदा देवी ईस्ट बेस कैंप जाना है, ठीक है, बता देना मम्मी को। मम्मी कहा है? देना जरा फोन देना। कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग हुई है, तो उसी तरीके से रूट तो है नहीं, उसी तरीके से रूट बना के चलना है आगे, तो रिस्की भी है बहुत कहीं कहीं पे। अभी हम लोग एक नदी के बीच में फंस चुके हैं तीनों जने, और ट्राई करें नदी को पार करने की, देखते हैं इस नदी को कैसे पार करते हैं। अब इस नदी में फंसे हैं हम लोग, नदी पार कर रहे हैं। वो मेरे आगे जो मेरे पोर्टर है वो देख रहे हैं कैसे पार कर सकते हैं, ये मेरे गाइड हैं। जूते सब उतार दिए अपने, पानी काफ़ी गहरा लग रहा है। दानू का कितना रिस्की है, आऊँ क्या? मैं इसमें पहुंच चुका हूँ नंदा देवी ईस्ट बेस कैंप में। ये है मेरे सामने जो आप देख रहे हैं पूरा ग्लेशियर रीजन है, और पीछे नंदा देवी ईस्ट और मेन दिखती है, बट कंटिन्यू बारिश हो रही है। आप मुझे देख सकते हो मैं कंटिन्यू भीगा पड़ा हूँ, मेरे जूते पूरे गीले हैं, और फॉग होने के वजह से चारों तरफ फॉगी रीजन होने की वजह से हम अभी नंदा देवी नहीं देख पा रहे हैं। तो हम प्रे कर रहे हैं कि नंदा देवी हमें दिखे, और अगर नंदा देवी दिखेगी और माता की कृपा होगी शायद नंदा देवी हमें जल्दी ही दिख जाए। ये पूरा रीजन है नंदा देवी ईस्ट बेस कैंप के आसपास का। यह है मेरे सामने नंदा देवी ईस्ट बेस कैंप। इस समय बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा फॉग होने की वजह से हमें सामने नंदा देवी नहीं दिख पा रही है, बट सामने आप जो देख रहे हैं वो ग्लेशियर रीजन है पूरा, और उसी ग्लेशियर रीजन से होते हुए वो नदी नीचे बहती हुई जा रही है। अगर मौसम साफ हुआ तो शायद हम नंदा देवी देख पाए हैं आज। आज नंदा देवी के दर्शन तो हमें हुए नहीं, तो हमारा प्लान है कि हम आज यहीं रुकेंगे, कैंप पिचिंग कर रहे हैं अभी, यहीं टेंट लगाएंगे और वेट करेंगे शायद हमें नंदा देवी के दर्शन हो जाएँ। तो अभी हमारी कैंप पिचिंग की पूरी तैयारी है। इस समय मैं नंदा देवी बेस कैंप में हूँ। मेरे सामने नंदा देवी पीक है बट मैं देख नहीं पा रहा हूँ उसे, क्योंकि कंटिन्यू बारिश हो रही है। मेरे सामने बर्तन है बिल्कुल भीगे हुए हैं, कंटिन्यू बारिश हो रही है यहाँ पे, और सामने का मौसम
पूरी तरह धुंध लगी है, कोहरा है। होप करता हूँ कि शायद मुझे नंदा देवी दिख जाए। इसे कहते हैं अरेंजमेंट। मेरे साथ जो दो मेरे गाइड और पोर्टर आए थे, उन्होंने पूरा टेंट बनाया हुआ है और खाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि हम रात को भरपेट खा कर सो सके। पूरा अरेंजमेंट कर दिया उन लोगों ने। एक छोटा सा टेंट शेल्टर बनाया है नीचे और अभी खाना बनाने की तैयारी चल रही है। और वो सामने हल्का हल्का खुलता हुआ मौसम। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, ये है नंदा देवी ईस्ट बेस कैंप। जो नंदा देवी है वो इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है और फर्स्ट हाईएस्ट पीक है विद इन कंट्री और कुमाऊँ की सबसे बड़ी पीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से नंदा देवी ईस्ट कैसे दिखती है। वो मेरे सामने है नंदा देवी ईस्ट और नंदा देवी वेस्ट, और ये है नंदा देवी ईस्ट बेस कैंप, और ये है नंदा देवी ईस्ट। सो जो ये नंदा देवी की जो मेरी जर्नी थी यहीं पे एंड होती है। इस जर्नी में मेरा साथ दिया मेरे ट्रैवल गाइड आन सिंह दानू ने, और ये खुशालदा हैं, ये पोर्टर कम ट्रैवल गाइड हैं, लोकल मुंशारी के हैं। इनकी वजह से मेरी जर्नी सफल हो पाई है। बाकी आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो मैं इनका नंबर नीचे वीडियो में शेयर कर लूँगा, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं।